हम लड़कियाँ हमारे घर के लिए इतना कुछ करते हैं. वी टेक केयर ऑफ आवर फैमिली, वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड अस. उसके साथ साथ हमें अपना भी ख्याल रखना पड़ता है. इतना सब कुछ करके अपना ख्याल रखते रखते अक्सर बहुत कुछ छूट जाता है. लेकिन मैंने रिसर्च किया ताकि कभी कुछ भी ना छूटे, ये उसका एक प्रयास है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ रिवीलिंग द सीक्रेट. अक्सर आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि हाउ आई टेक केयर ऑफ माई बॉडी हेयर. ऑफ कोर्स मैं वैक्सिंग कराती हूँ, मैं शेविंग भी करती हूँ, बिकॉज हमेशा वैक्सिंग करना अच्छी बात नहीं है. तो बहुत ज़्यादा इनग्रोथ होता है. अगर बाल पूरी तरीके से बाहर नहीं आया है, मतलब फुल ग्रोथ नहीं हुआ, तो उसके ऊपर दोबारा वैक्सिंग कर लेने से मुझे तो काफ़ी इनग्रोथ होता है. तो अजीब सा स्ट्रॉबेरी स्किन लगता है, ऐसा लगता है डॉट 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 स्किन में कुछ हो गया है. ये शेविंग एंड वैक्सिंग के बीच में ही मैंने रखा है. ऑफ कोर्स आई हैव नॉट गॉन द अदर वे ऑफ गेटिंग अ लेज़र डन बिकॉज आई डिड नॉट फील कम्फर्टेबल. फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने ऑलरेडी लेज़र करके परमानेंटली हेयर रिमूव कर दिया, इट्स फाइन एंड टू ईच इट्स ओन. मैं हमेशा रिसर्च करती रहती हूँ कि इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ. बहुत रिसर्च करके एक यूनिक सा क्रीम ढूंढ के निकाला है जो कि विदाउट वैक्सिंग एंड शेविंग हमारे बालों को कम कर सकता है. मेरे पास आज एक क्रीम है विच कैन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ हेयर परमानेंटली इन योर बॉडी. That's a relief, man. So, जो miracle product मेरे हाथ लगा है उसका नाम है Nude. Expose yourself. It is to get rid of unwanted body hair. This is not actually hair removal. It is an hair inhibitor. मतलब hair को बाहर आने से रोकता है. तो जिसके कम बाल है they are blessed. But जिसके बार बार बाल आ जाते हैं body में, so I think this is a blessing for them. And मैंने इसको ट्राई किया है. अभी मैं बताती हूँ कि इसको लगाते कैसे हैं, कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं. आपने वैक्स किया उसके बाद आप इसको लगातार लगाते रहे, ट्वाइस अ डे. जिस तरीके से मॉइस्चराइजर लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसको लगाते रहे आफ्टर वैक्सिंग टिल द टाइम दैट यू डू योर नेक्स्ट वैक्सिंग. तो ऐसा अगर 2-3 बार करेंगे विद इन 3 मंथ्स हेयर आना कम हो जाएगा काफ़ी हद तक. मैंने खुद अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई भी मैं प्रोडक्ट देती हूँ यो बहुत मज़ा आया चलो मैं इसके बारे में मेरे ऑडियंस को बताऊँ. नहीं, ऐसा नहीं है. मैं खुद पहले ट्राई करती हूँ, टेस्ट करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वाओ दिस इज़ इंटरेस्टिंग या दिस इज़ समथिंग जो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगी. इनफैक्ट सारी औरतों को बताना चाहूँगी कि हम जो हमेशा जूझते रहते हैं हर महीने वो वैक्सिंग करो या शेव करो कि झंझट से. आई एम अ वाटर बेबी, मुझे तो स्विमिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. तो स्विमिंग करने के लिए मैं ऐसा ना सोचूं कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन नहीं सकती क्योंकि मेरे तो टांगों में काफ़ी बाल है. मैंने बहुत मेरे फ्रेंड्स को भी बोलते हुए सुना. इनफैक्ट मैं भी काफ़ी बार ये फेस करी हूँ लेकिन अभी मैं इस चीज़ को फेस नहीं करती हूँ बिकॉज आई एम फ्री फ्रॉम ऑल अनवांटेड हेयर इन माई बॉडी. ये सो इसको जब आप शेविंग करें, शेविंग करने के बाद भी जिस एरिया को आपने शेव किया है वहाँ पे लगाएं. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ दैट ब्यूटी इज नॉट अ मिरेकल. एक चीज एक बार करके फिर मैंने तो कर लिया, मेरा तो हुआ नहीं, ये तो मैंने बहुत बार सुना है और ये हमेशा हर एक लोग बोलते हैं. इनफैक्ट बचपन में मैं भी ऐसे ही करती थी लेकिन अभी मुझ में एक डेडिकेशन आया है ब्यूटी को फॉलो करने का. तो ये रेगुलरली जो करना चाहिए उस चीज़ को करने से मैंने महसूस किया कि एक्चुअली होता है. मेरे साथ तो हुआ है, आपने खुद देखा. मैंने इसीलिए आज कोई वैक्सिंग या शेव करके मैं आपको दिखा सकती थी मेरे स्किन का क्लोजअप, पर मैंने ऐसा नहीं किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो यू किस तरीके से मेरे बाल आने कम हो गए. बिकॉज अभी मेरा वैक्सिंग करने का ऑलमोस्ट टाइम हो गया है तो काफ़ी जगह से बाल आना ही बंद हो गया है. कुछ जगह से बाल आए हैं विच इज़ लाइक अमेजिंग. इस तरीके से मैं और आगे फॉलो करती रहूं और 3 महीने के बाद मैं आपको बता सकती थी लेकिन मैंने सोचा कि नहीं. वहाँ तक भी काफ़ी लेडीज़ पहुँच जाए तो मुझे पता है कि काफ़ी हद तक मदद मिल जाएगी एंड आई एम श्योर यू गाइज विल ब्लेस मी. एंड फॉर ऑल दोज गाइज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, जिन लोगों ने अभी तक का वीडियो देख लिया है, एंड इफ़ यू नीड हेल्प
यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट, बिकॉज आई थिंक कोई प्रोडक्ट में तो लिखा हुआ होता नहीं है कि दिस इज ओनली फॉर फीमेल और दिस इज ओनली फॉर मेल. आप भी एक्चुअली यूज कर सकते हो, बिकॉज टुडेज मेन आर ऑल मेट्रोसेक्सुअल मेन. दे आर इक्वली कॉन्शियस अबाउट देयर गुड लुक्स, अबाउट देयर हाइजीन, अबाउट द वे दे फील. So it's for both of us. It's for the men as well as the women. So please go ahead and buy it.